चंदन भैया को भेजा एक काम से कि बिना दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और जिन किलो में बीज है तो एक ट्रेडमार्क बना हुआ है 3,500 47 48 करोड़ लग चुका है। जिन लोगों की मौतें हुई थी यादगार बनाया गया है, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। हमारे दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे, तो ये ले रहा हूँ। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, अभी आपने रिसेंटली मेरे को बहुत प्यार दिया मेरी वीडियोस पे, क्योंकि हमने अभी अभी अपना केदारनाथ, बद्रीनाथ और आपका हेमकुंड साहब की यात्रा कंप्लीट करी है। ये यात्रा अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई थी और हमने एकदम से यात्रा स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले मैंने ट्रैवल करा था नॉर्थ ईस्ट का, जहाँ पे मैंने काफी टाइम गुजारा है। उसके मेरे व्लॉग सीरीज चल रही थी, पर इन बिटवीन ये यात्रा जैसे स्टार्ट हुई, पहले हम इस यात्रा पे निकल गए और उसके बाद फिर मैंने ये व्लॉग पहले डाल दिए। नॉर्थ ईस्ट की सीरीज को रोकना पड़ा, पर हाल फिलहाल अभी ये मेरे व्लॉग्स खत्म हो चुके हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिए, वो जो मेरी सीरीज थी नॉर्थ ईस्ट की, वो उसको कंटिन्यू करने लगा हूँ। जब तक ये सीरीज कंप्लीट होगी तब तक मेरा नया ट्रैवल भी स्टार्ट हो चुका होगा। तो जैसे आपने मेरी पहले वाली सीरीज को प्यार दिया है, उम्मीद करता हूँ वैसे ही आप इसको भी प्यार देंगे। प्लीज एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, जब आप वीडियो देखते हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है, प्यार बन जाता है। हमें लगता है कि आप लोग हमारी वीडियो को, हमारी मेहनत को सहारना, यानी मतलब मोटिवेट कर रहे हो, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी अगर नए हो भैया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ट्रैवल हम करते रहते हैं, हो सकता है कि आपको ये वाला ट्रैवल अच्छा ना लगे, तो इन फ्यूचर में हम कुछ और ट्रैवल करेंगे, शायद वो आपके मतलब का हो। तो बस इसी सोच के अकॉर्डिंग ही अगर आप हमारी वीडियो देखते हो भैया, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों, नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक वीडियो पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। बाकी सब बढ़िया है, बहुत जल्द नया ट्रैवल भी करने वाले हैं। और कहने का मकसद ये रहा कि नवी नॉर्थ ईस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये सीरीज हो गई है खत्म। प्लीज अपना प्यार बनाए रखिएगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए करेगा। तो गाइस वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग, और हम जा रहे हैं खजाना विलेज, जैसे कि आपको पता है ऑन द वे है, और यहाँ से अराउंड 13 किलोमीटर रहता है खजाना विलेज। अब यहाँ से टैक्सी भी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन और भी आता है, बाकी देखते हैं कैसे जाने वाले हैं और कैसा विलेज है, क्योंकि वहाँ कैंपिंग करने का मूड है और काफ़ी लोगों की वीडियो में देखा है। तो भैया आ गया अपना ब्रेकफास्ट सुबह का, समोसा, चाय, पूरी, सब्जी। सो गाइस यहाँ लिफ्ट मांगने की ट्राई कर रहे हैं, गाड़ी भी लिफ्ट नहीं दे रही है और टैक्सी तो रुकी नहीं, फिलहाल आई नहीं। नहीं ये पहुंचो, बड़ी बिक्री है, पहुंचो पहुंचो लेके घूम रहे लोग। तो भैया मिल गई, ओ मिल गई, ओए गाड़ी रुक गई, ओए। सो गाइस हम जैसे कि पता है आपको लिफ्ट मांगने की ट्राई कर रहे हैं, तो भैया रुक गए। और ये पंच गाड़ी है ना टाटा की, तो ये एंथोनी भी है और ये दीमापुर से डिलीवरी देने जा रहे हैं मणिपुर, इतनी दूर। हाँ क्या बात है। ये पंच गाड़ी है जो टाटा की रिसेंटली लॉन्च हुई है और बहुत बढ़िया गाड़ी है। ये जो आवाज कर रही है ये सीट बेल्ट के लिए कर रही है। और अभी भैया का दरवाजा खुला हुआ था तो बोला उससे बकायदा कि ड्राइवर साइड का डोर खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लीजिए, बात समझ रहे हैं। और इंटीरियर इसका बहुत ही जबरदस्त है, अच्छी गाड़ी यार। हमें पता होता अगर मणिपुर का सफर इस तरह से होने वाला है तो अपना सामान होटल में रखते, सीधा उठाते और मणिपुर साथ ही चलते भैया। मणिपुर जाने का प्लान कर रहे थे, पर अभी पता चला कि 8 तारीख से मणिपुर पूरा बंद है। अब क्यों बंद है ये रीजन तो पता करना पड़ेगा, न्यूज वगैरह देखनी पड़ेगी, पर ये न्यूज कन्फर्म जरूर है, कन्फर्म है। अगर हम आगे मणिपुर जाते तो डेफिनेटली हम वहाँ जाके फंस जाते, तो ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। थैंक यू ब्रो, ओके। सो गाइस फाइनली वी आर इन खजाना विलेज, और जो कि आपका अराउंड, जो हम कोहिमा रुके थे कोहिमा से अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और फिलहाल हम पहुंच गए हैं। कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है हमें आइडिया नहीं है, जस्ट हमने गूगल करा था, विलेज एक्सप्लोर करने का मन था तो यहाँ स्टे करने का प्लान है। तो फिलहाल चलते हैं, कोई खूबसूरत जगह देखते हैं, गाँव वालों से बात करते हैं कैसे रहते हैं, क्या सिस्टम है, और देखते हैं बढ़िया से कैंप लगाने की जगह देखेंगे और खाने पीने का सामान ले लेंगे, सेफ जगह देखेंगे जहाँ पे दिक्कत ना हो नियर बाय गाँव वालों के घर के आसपास। और पीछे खेत है सीढ़ी नुमा, उसका ड्रोन शॉट लेंगे बढ़िया वाला। भैया ये बोर्ड देख के पढ़ने में आया कि वैली व्यू हॉस्टल है, खजाना विलेज का टाउन है। विलेज के लिए हमें नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ भी देखो हॉस्टल लिखा हुआ है, बॉयज़ हॉस्टल। तो यहाँ पर जो कॉलेज है उसकी वजह से यहाँ हॉस्टल खुले हुए हैं छोटे छोटे, क्या बात है। और ये देखो साफ देख रहे हैं, चंदन भैया गिरने वाले थे अभी। तो सड़क से नीचे ये एक कच्चा रास्ता उतर रहा है, देखते हैं कहाँ लेके जा रहा है। जो लड़का था जिन्होंने हमें छोड़ा है दीमापुर वाला, तो वही बता रहा था कि यहाँ पॉपुलेशन गर्ल्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर लड़कों से, तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा गर्ल्स नज़र आती हैं।
बाकी यहाँ घर बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, व्यू बहुत प्यारा है विलेज का। अब नज़ारे नज़र आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हम सड़क से आ गए हैं अंदर। ये देखिए लोगों के घर कितने खूबसूरत हैं और लोगों ने यहाँ पर सब्जियाँ भी उगा रखी हैं। पता नहीं रात को हमारा क्या होने वाला है। अभी तक हमने खाने खुने को कुछ नहीं लिया रात के लिए। एक और बॉयज़ हॉस्टल मिला है। तो आप वैसे हो कहाँ से? हम हाँ यहीं के लोकल हैं। तो हॉस्टल में ठहरे हो? नहीं नहीं हम कोहिमा गए। कोहिमा के हैं ओके। तो नीचे कह रहे हैं कैंप वगैरह का ऑप्शन है, तो नीचे मिल जाएगा ना ऑप्शन कैंप का। ठीक है ब्रदर ओके बाय। तो भैया यहाँ पे कॉलेज करके काफ़ी सारे हॉस्टल खुले हुए हैं और जो नीचे कोहिमा दीमापुर के जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं वो लोग यहाँ स्टे करते हैं। तो बढ़िया यार, मैं सोच रहा था प्रॉपर विलेज है पर प्रॉपर विलेज नहीं है भाई, ऊपर कॉलेज है, स्टूडेंट्स हैं। क्या बात है, क्या खूबसूरत घर है यार। और यहाँ पे वो है लकड़ी वकड़ी करती है उसको कहते हैं। काफ़ी डेवलप विलेज है कायदे से देखा जाए तो, बढ़िया घर बने हुए हैं यार। बस सड़क का थोड़ा सा कहानी ख़राब है, अदरवाइज आप अपनी गाड़ी ला सकते हो यहाँ पे, कोई व्हीकल बाइक वाइक है तो भी ला सकते हो। थोड़ा और नीचे चलते हैं फिर लेते हैं यहाँ से ड्रोन शॉट। बढ़िया बढ़िया, ये पूरा खेत है ये देखना, पत्थर से मार्किंग कर रखी है, अच्छा लग रहा है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time stands. और मैंने लिए ड्रोन शॉट, उम्मीद करो अच्छे अच्छे लगे हो, लाइक वाइक मार देना। अब बता रहे हैं भाई, बता रहा है कि वहाँ पे उस साइड ना ट्रैकिंग पॉइंट है, पूछ के लगा सकते हैं कैंप या फिर उनका कैंप होगा जो भी एक्स्ट्रा जेड होगा, वहाँ खाने वाने का सिस्टम भी है। तो चल रहे हैं बस वहाँ से देखते हैं, बात करते हैं। वहाँ वो रेड जो घर दिख रहा है उस साइड जा रहे हैं। तो तुम क्या करते हो? पढ़ते हो? नहीं करते, छोड़ दिया। अच्छा यहीं लोग, यहीं विलेज के हो? अच्छा, अच्छी बात यह है कि लोगों को कुछ हिंदी आती है समझ, जनरली कई जगह हिंदी प्रॉब्लम होता है, हिंदी में बात कर रहा भाई समझ रहा है, ये बात अच्छी है। आप कहाँ रहते हो? ऊपर है घर? तो भाई ऊपर रहता है, बढ़िया यार ओके ब्रो। सो गाइस जो आप जो खेत देख रहे हो ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जनरली आपको पता ही होगा सीढ़ी नुमा खेत, अगर आपने छोटे होते पढ़ाई पढ़ी है साइंस वगैरह या उसमें बताया गया होता है कि पहाड़ों पे अक्सर सीढ़ी नुमा खेतों के तरह ही खेती की जाती है क्योंकि पहाड़ हमेशा ढलान में होते हैं, तो जितनी जितनी जगह मिलती है उतनी जगह को काट के वहाँ खेती की जाती है। और जितने ये खेत हैं यहाँ पर ज़्यादातर आलू की खेती, धान यानी चावलों की खेती और मक्के की खेती की जा रही है। और ये जो लोग हैं ये सब कुछ करके दीमापुर जो सिटी है वहाँ बेचते हैं और वो आगे जाता है, तो ऑल ओवर यहाँ का इनकम सोर्स यही है। तो बहुत खूबसूरत विलेज है, लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों से बात हो रही है और हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए बीचों बीच हम जा रहे हैं कैंपिंग पॉइंट पे। तो ऑल ओवर कहानी ये कि आप जब भी आओ तो इस विलेज में एक्सप्लोर कर सकते हो, ये भी एक अट्रैक्शन पॉइंट है सिटी से थोड़ा हट के। तो जो लोग शांति चाहते हैं, रिलैक्स चाहते हैं, बहुत बेहतरीन व्यू चाहते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। एक ये जगह है जखामा विलेज और एक और विलेज है जिसका नाम है किसामा विलेज, वहाँ भी आ जा सकते हो। और वहाँ की खासियत क्या है कि जो कल्चर है यहाँ का, जो कि नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है और यहाँ का कल्चर है नागालैंड का, वो कल्चर का वहाँ फेस्टिवल किया जाता है हर सैटरडे को और वो प्रोग्राम होता है। हाल फिलहाल अभी तो नहीं हो रहा, मे बी हम जाएँ और वो खुला हो क्योंकि वो स्पेशली उसी डेज पे ओपन होता है और वहाँ जाके आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो कि लोग यहाँ कैसे रहते थे, क्या करते थे और क्या कल्चर डांस होता है। तो मे बी शायद आज नहीं तो कल हम वहाँ जाएंगे। पता नहीं भैया किसका है ये घर, खेतों के बीचों बीच खूबसूरत। और ये नज़ारे कुछ यहाँ से बालकनी बैठ के हमारा घर होता, चाय पी रहे होते और ये नज़ारों का मज़ा ले रहे होते, मज़ा ही आ जाता सच में। पूछना पड़ेगा ये क्या है। तो गाइस हम घूमते फिरते जो जगह थी ये जगह पे आ गए हैं, ये कैंपिंग पॉइंट लग रहा है। यहाँ थोड़ा सा झरना पानी टाइप बह रहा है, खूबसूरत व्यू है, बैठने का ब्रिज बना हुआ है। ये कुछ एरिया कैंप का मेरे ख्याल से, पर परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कुछ सिटिंग एरिया है, तो नज़ारे तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ परमिशन का पूछना पड़ेगा या रात को, या परमिशन किससे लेनी है। हमारे पास कुछ खाने खुने का ऑप्शन भी नहीं है, कहाँ से लें और कहाँ जाएं। ऊपर पावर की लाइन है, आवाज़ें कर रही हैं। इंडियन आर्मी से हो? हाँ जी। तो हम यहाँ कैंप लगा लें?
लगा लेना। फार्मिंग वगैरह भी करते हैं? हाँ, सब कुछ करते हैं। अंकल कह रहे हैं मेरा घर यहीं पास में है, कह रहे कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। हाँ जी हाँ जी, आया है कुछ डरना नहीं। अंकल से बातचीत हो रही थी, अंकल कह रहे हमारे साथ घर चलो, आर्मी रिटायर्ड है, कह रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। मैं कहा पानी वानी भर लाए क्या, तो खाना भी खा लो, पर देखते हैं। अच्छी खासी दीवार है, नीचे गिरे ना तो हो जाना काम। तो ये एक सिमेट्री बन रही है, ये पूरा तैयार कर रहे हैं। ये देखो वहाँ से चलते आ रहे हैं हम पीछे से। तो भैया यहाँ पानी का बन रहा है टैंकी, और ये वॉशरूम बन रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, आने जाने वालों के लिए परेशानी ना हो। जैसे पंचायत घर होता है ना, वैसे कुछ बना हुआ है इस गांव का, बहुत ही खूबसूरत यूनिक स्टाइल का बना था 17/1/2000 में। यहाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है, कहाँ 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 जाना है। आराम करने के लिए बना जरूर है, पर अंदर काम चल रहा है मेरे ख्याल से। नो यूरिन इनसाइड द रेस्ट हाउस। बहुत ही खूबसूरत ये जो काम हो रखा है ना लकड़ी का, पुराने टाइम का। हाउ टू लव द अर्थ, ये है जिकामा स्टूडेंट यूनियन। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, पीछे स्कूल जकामा का। वी ऑल आर एट स्नेक, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। इस जगह को हमने हल्के में लिया, स्कूल यहाँ पे है, कॉलेज यहाँ पे है, चर्च यहाँ पे है, क्लीनेस्ट विलेज है अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी लू बाहर करना अलाउ नहीं है, तो बहुत ही साफ सुथरा है भाई। जकामा ये विलेज अराउंड कोहिमा से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत खूबसूरत है। एक नाइट का स्टे करने के लिए अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली बनता है, कैंप करो या होम स्टे वगैरह भी मिल जाते हैं। वैसे पब्लिक टॉयलेट है पर लॉक है फिलहाल। तो ये सामने चर्च है, ब्यूटीफुल कैथोलिक चर्च है। और इस तरह से जो कलाकारी हो रखी है ना जगह जगह, बहुत ही खूबसूरत है। ये क्या है अंकल? हाँ जी हाँ जी, हाँ ये क्या है? टाइगर का। ओह माय गॉड, वो क्या है? बिल्ली? ये असली है, असली शेर का मुंह है। और यहाँ देखोगे तो एक जेन्युइन, ऊपर से देखो जेन्युइन एक शिकार कर रखा है। तो अंकल हमें लेके जा रहे हैं अपने घर, और अंकल कह रहे हैं मेरा बेटा तो बाहर काम करता है और सिर्फ अंकल और आंटी रहते हैं। तो ये देखो घर बने हुए हैं, नीचे भी घर बने हुए हैं। ये मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन हो रही है घर के लिए, पिल्लर विल्लर लगाए जा रहे हैं, देख रहे हो यहाँ जाना कर। तो ये जानवरों का रखने का, यहाँ सब्जियों का ही है। ये आपका सारा घर पर ही है? अच्छा, आपका वो है मुर्गी पालन, मुर्गी का है। तो फाइनली अंकल के साथ ऊपर आ गए हैं, अंकल के साथ ऊपर तक आ गए हम। हिंदी से माँ को तो हिंदी नहीं बोलते ये, थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी। तो ये वाइफ है अंकल की, शक्ल गंदी है ना। किचन है ना आंटी, ये पूरा किचन है पूरा। और वो देखो किस तरह से खाना बनाते हैं। आप अकेले रहते हैं हस्बैंड वाइफ? वो देखिए कितना खूबसूरत है, चप्पल लेके नहीं आना। अंकल कह रहे हैं यहाँ सामान रखो, वैसे हम यहाँ कैंप भी लगा सकते हैं। तो पानी पिला रहे हैं आंटी, थैंक यू आंटी। अरे अंधेरा कितने बजे हो जाता है यहाँ? 6:00 गाँव में। ठीक है ना, तीनों खेल है ना। हाँ जी हाँ जी, चलिए ठीक है चलो। अंकल तो हमें बातें करते करते ले आए, आंटी पता नहीं उनको अपनी भाषा में शायद अड़कान आ रही हो, क्यों भी किसी को भी उठा लाते हो पता नहीं। मैं अपने आईडी से बता रहा हूँ, पता नहीं हकीकत है या नहीं है, पर वैसे अंकल बहुत अच्छे हैं। अंकल कह रहे हैं यहाँ रुक जाओ, बाकी तो देखते हैं। अभी कह रहे हैं अपने मेरे साथ चलो विलेज घूमने, और अभी बजे 5 or 6:30 बजे तक अंधेरा होता है, तो देखते हैं विलेज घूम के आते हैं। एक डॉन शॉट एक और ले लेते हैं जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ से खूबसूरत व्यू है, पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं ऑलमोस्ट हम। तो गाइस यहाँ पे ना अलग अलग वो है, इनके प्रजातियाँ हैं। जैसे अंकल आप क्या हो? अंगामी, साउथ अंगामी।